नमस्कार आप सभी को, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं मेरा YouTube चैनल बिजनेस विद राहुल तोमर में। गाइस, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ना, वो बात बड़े ध्यान से सुनना और बड़े गौर से सोच समझ के कि कैसे क्या करना है। कल मैं अपने एक गेस्ट से मिला दिल्ली में, उनको ईवू से कुछ चाइना से स्टार्ट करना था। उनका एक प्लान था कि यहाँ पे लाके एक मल्टी प्रोडक्ट स्टोर खोला जाए, नॉट इन दिल्ली, आउटसाइड ऑफ दिल्ली, किसी अदर स्टेट में, और उनकी काफी अच्छी वहाँ पे पकड़ भी काफी अच्छी है। तो इस चीज को लेके उनका विचार था। मेरी उनसे बात हुई, आधा घंटा हम साथ बैठे, हमने चाय पी और उनसे बात करी। बात करने के पास पता लगा कि लोग जो है ना, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके पास एक करेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है कि कौन सी चीज कैसे करनी है। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जांपल, मेरे पास मिस्टर मिश्रा जी आए, मिश्रा जी मेरे पास आके बैठे, राहुल जी मैं ये करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है मिश्रा जी आप करिए, लेकिन राहुल जी मैं यहाँ पे स्टोर खोलना चाहता हूँ, मैं ईवू जाना चाहता हूँ, या मैं चाइना जाना चाहता हूँ, शंचन जाना चाहता हूँ, जापान जाना चाहता हूँ, वहां से माल लाके यहाँ पे बेचना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ माल इम्पोर्ट कर लेने से आपकी सेल आ जाएगी, ऐसा कभी संभव नहीं है। मिश्रा जी, आप मेरी बात समझे। सबसे पहली बात, आपको क्या प्रोडक्ट करना है, किस इंडस्ट्री में जाना है। भाई, आपको गैजेट्स में जाना है, ऑटोमोबाइल्स में जाना है, लाइफस्टाइल में जाना है, आप वुमेन्स से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट करने हैं, मेंस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट करने हैं, टेक्नोलॉजी से करना है, किस तरीके से करना है, ये आपको पहले प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रोडक्ट पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि मार्केट में क्या चीज डिमांडिंग है, किस चीज का फ्यूचर है, या क्या चीज आपकी आते एक ऐसा यानी as possible आपकी सेल स्टार्ट हो सकती है। ये सब चीजें आपको सोच के समझ के फिर कुछ टारगेट सेट करना चाहिए। प्रोडक्ट फाइनल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आप लोग करें, वो करें कि आप लोगों की टारगेटिंग ऑडियंस कौन सी है, जिस स्टेट में या जिस भी मार्केट को आप टारगेट लेके चल रहे हैं। बेटर है आप पहले मार्केट का सर्वे करें, मार्केट के सर्वे के बाद वहां के लोगों का सर्वे करें, आप अपनी ऑडियंस जो है, आपके जो कस्टमर होंगे, आप उनको एक सेटलमेंट कराएं। देखिए, हिंदुस्तान में 150 करोड़ पॉपुलेशन है, आप 150 करोड़ को कवर नहीं कर सकते। 150 करोड़ में 80 करोड़ के आसपास जो है बीपीएल से ब्लू है, जिनको हमारी गवर्नमेंट फ्री में राशन वगैरह देती है, जो टैक्स पेयर है, कुछ मिडिल क्लास है। आपको ऑडियंस, अपने कस्टमर जो है वो टारगेट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा कस्टमर चाहिए आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कौन सा कस्टमर खरीद सकता है, कौन सा नहीं खरीद सकता। आप सबको अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते भाई, और भी कंपनीज है, और भी लोग है, और भी ब्रांड्स है जो ऑलरेडी मल्टी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, और वेल नोन ब्रांड है, अच्छा फंडिंग है, कैपिटल है, सब चीज है उनके पास। आप मार्केट में नया आ रहे हैं तो श्योरली आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव चाहिए, क्योंकि दुनिया इनोवेशन को याद रखती है। आप सिर्फ माल लेके वहां से आ गए, यार आने के बाद अपना मार्केट में मैंने स्टोर खोल दिया, मेरी डे वन से सेल स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। अगर हो जाए तो वो आपका लक है, बाकी 99% चांसेस है ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों को कुछ चीजों, कुछ स्टेप्स को पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वेरीफाई करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, अपनी ऑडियंस टारगेट करनी पड़ेगी, टारगेटिंग कैसा करना पड़ेगा, उसको खोलना कैसे है, उसकी डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए, प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, लैंडिंग कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस कैसा होना चाहिए, सारी चीजें करने के बाद आपको गो अहेड होना चाहिए। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार मैं पहले ना, मेरे से जो मिश्रा जी कल मेरे से मिले थे, उन्होंने मेरे को बोला कि राहुल जी मैं पहले सर्वे करके मार्केट को देख के आना चाहता हूँ, मैं समझ के आना चाहता हूँ। भाई, आप ₹1,00,000 लगा के ईवू जाओगे या चाइना जाओगे, जाने के बाद आपने मार्केट घूमी, आपने 3 दिन घूमी, 4 दिन घूमी, उसके बाद क्या, राहुल जी मैं इधर भी जाना चाहता हूँ, उधर भी जाना चाहता हूँ, आप भागो। चाइना कोई छोटी कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सुंदर कंट्री है। आप गए, आपने अपना 7-8 दिन लगाए, ₹1,00,000 खर्च दिए, वापस आने के बाद अब मैं वेरीफाई करूंगा, लेकिन वेरीफाई करने के लिए अब मैं काम स्टार्ट करने की सोचूंगा, लेकिन आपके पास कुछ है ही नहीं। चंद विजिटिंग कार्ड लेने के बाद अगर इंडिया आके आप सोचोगे कि मैं नेक्स्ट डे से काम स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप 10-15 दिन बाद ही सोचेंगे, इतने में तो आपके माइंड से जो भी सब चीजें आपने देखी वो सब फ्लश हो जाएंगी, कुछ भी नहीं याद रहेगा आपको। फिर आप प्लान करेंगे कि राहुल जी मैं इस बार जाता हूँ, इस बार मैं सब चीजें करके आऊंगा, देख के आऊंगा और आते ही ऑर्डर प्लेस करूंगा, ऐसा भी नहीं होता भाई। आपको सोच के जाना है, मैं 2 दिन मार्केट देखूंगा, 3 दिन मार्केट देखूंगा, 4th दिन में चाहे छोटा ऑर्डर लगाऊं लेकिन ऑर्डर प्लेस करूंगा। उससे क्या है, एक बार आपका कनेक्शन चालू हो गया ना, ऑर्डर प्लेस करने के बाद माल आ गया, सारी चीजें आपके माइंड में रिवाइंड होती रहेगी, आपके माइंड में याद रहेगा आपको कि मैंने क्या प्रोडक्ट देखा, कहां देखा था। मेन चीज ये है, सिर्फ जाने और आने से मार्केट में ऐसे कुछ करने से, आप लोग कोई बिल गेट्स थोड़ी हो भाई, या आप लोग कोई और बड़ा ब्रांड वो थोड़ी हो कि जाके सीधा मैं गया और मैंने सब चीजें रिकॉर्ड कर ली, ऐसा कभी भी नहीं होता। फिलहाल मेरा कहने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि अगर आपको सीरियसली कुछ करना है तो पहले मार्केट रिसर्च करें, ऑडियंस टारगेट करें और प्रोडक्ट फाइनल करें, प्राइसिंग क्या
होनी चाहिए। और चाइना जाना मतलब है कि उसको खरीद के ही आना, बिना खरीदे आके भी चलो, अगर नहीं खरीदते तो आने के बाद आपको इमीडिएटली उस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सब चीज भूल जाएंगे। और एक और बड़ा पॉइंट, बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ और मिश्रा जी भी दिल्ली से ही है, तो सबसे पहली बात, आप जो प्रोडक्ट ला रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को दिल्ली की चांदनी चौक या सदर बाजार से कंपेयर मत करें, कंपेयर करना बंद कर दीजिए भाई। चांदनी चौक सदर बाजार वाले जो चीज बेचते हैं वो चीज आप नहीं बेच पाएंगे। आपको जो अपना ब्रांड में काम करना है, एक रैपो के साथ काम करना है, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट सेल करे, क्वालिटी वाला। आप कोई चीप प्रोडक्ट नहीं लेता है, 2 करोड़ 100 में से 2-3 लोग ही चीप प्रोडक्ट देखते होंगे। यंग जनरेशन सब को क्वालिटी चाहिए, ब्रांड चाहिए, जो लॉन्ग लास्टिंग चीज यूज करी जाए वो चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ चांदनी चौक या सदर बाजार से कंपैरिजन करके माल बेचना है, कृपया करके आप वहीं से माल लेके वहीं पे सेल करें, वो ज्यादा अच्छा है। इंटरनेशनल मार्केट में डील करना मतलब इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाना, मतलब क्वालिटी लाना। तो उसी को सोच समझ के आप आगे बढ़े, और पैसा है सही जगह इन्वेस्ट करे, सही माइंड के साथ इन्वेस्ट करे। रैंडमली सिर्फ चाइना जाके मार्केट समझ के आने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, 10 बार भी चले जाओगे ना मार्केट समझ में आ जाएगी तो मुझसे कह देना। इंटेंशन होना चाहिए, माल खरीदना है तो खरीदना है, चाहे फर्स्ट टाइम हो चाहे सेकंड टाइम, जाओगे खरीद के आओगे तभी से कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नमस्कार, बाय बाय।